कि भटिंडा का जो जल प्रपात है जहाँ हमारे लोग नाच गान के लिए जाते हैं, मानस मंदिरा के लिए जाते हैं, वहाँ ऐसी चंदन क्यारी के दो छात्र श्यामलाल महतो और राजेश्वर महतो ने उस गिरते हुए जल से कल्प का निर्माण किया है। इन चंदन क्यारी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इन्हें अवसर का मौका नहीं मिला है, इन्हें अवसर नहीं मिला है कारण कि हमारे सुस्त जो लीडर रहे हैं। इसलिए आज अगर चंदन क्यारी के साथ धनबाद लोकसभा की बात करें, राज्य की बात करें, अगर यहाँ की दिशा और दशा को सुधारना है तो एक एनर्जेटिक युवा चाहिए, डेयरिंग हो, जो एजुकेटेड हो, जिसमें जो फियर हो, जिसमें डर ना हो, और सबसे खास बात नियमों की जानकारी हो, नीति के बारे में जानकारी रखता हो। जैसे कि मैंने उदाहरण के साथ जो सरकारी स्कूल में कपड़ों का रंग बदला गया, मैंने तर्क के साथ बताया कि किस प्रकार दोनों गवर्नमेंट ने घोटाला किया। क्योंकि आज के डेट में अगर हम आज कहें कि हमको पीला रंग का फुल पैंट चाहिए 1 लाख, आप नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको 6 महीना का टाइम देना होगा और ये प्रोडक्शन किसी मिल्स में होगा, यानी उस मिल के साथ कंपनी के साथ गवर्नमेंट का सेटअप होता है या फिर उस IAS का विभागीय IAS का सेटअप होता है और फाइनली उनको 6 महीना का टाइम दिया जाता है और जब उनकी तैयारी होती है तो फाइनली ये बताया जाता है कि हम अपने कपड़े का ड्रेस को चेंज करेंगे। लोकसभा में वो चंद्रकी विधानसभा में प्रत्याशी कौन हो गया? देखिए अभी फिलहाल तो तय नहीं है, और चूंकि सबसे पहले हम लोग का लोकसभा प्रत्याशी तय होगा और लोकसभा में हमारा जैसा रिजल्ट होगा, जो लोग जैसा मेहनत करेंगे उनके मेहनत के आधार पर हम लोग विधानसभा का प्रत्याशी तय करेंगे और उसका एक मापदंड होगा। देखिए जब भगत सिंह ने 23 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से बड़ा पूंजीपति कौन था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी का दर्शन तो अंग्रेजों ने दुनिया को कराया था। जब भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से टकरा सकते हैं तो भले हम लोग उनके चरणों के धूल के बराबर है, तो अगर हम में हिम्मत तो हमने, अगर शौर्य हो, अगर हम में साहस हो तो हम लोग भी इन बड़ी बड़ी कंपनियां जिसे आप वेदांता कहते हैं, इलेक्ट्रो स्टील कहते हैं, BSL कहते हैं, आपका FCI हर्ल कहते हैं, उनसे हम लोग टकराने का मादा रखते हैं और निश्चित 2024 में इसका असर दिखेगा। चंदन क्यारी को बिहार खेत कहा है कि 2024 में मेरा बिहार खेत है, हम इस पर फसल उगाएंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जहाँ तक सवाल है, मौका दिया है चंदन क्यारी ने, उनको मौका दिया है, उनके गठबंधन में जो सरकार है केंद्र की उनमें वो शामिल भी हैं, लेकिन आज तक जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर कभी उन्होंने सदन के भीतर कोई प्रश्न नहीं किया है, ना कोई अपना तर्क प्रस्तुत किया है। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि अब लोगों का ये माइंड सेटअप बदलना होगा कि संसद और विधायक का काम क्या होता है। उनका काम नहीं होता है कि किसी फुटबॉल मैदान में आके फीता काटना, उनका बिल्कुल भी काम नहीं होता है किसी नली गली सड़क में आकर फीता काटना, किसी दुकान का घुमटी के उदाहरण में आकर फीता काटना। उनका काम होता है कुछ नए आइडियाज की बात रखना। अगर राज्य को किसी चीज के कारण दोहन हो रहा है तो उसमें तर्क देना कि किस प्रकार उस दोहन से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे हम लोग बताते हैं कि कोयला बिजली के लिए बनता है, मैंने बिजली उत्पादन इसलिए कोयला का सृजन मैंने खनन किया जाता है, लेकिन हम लोग वही तर्क देते हैं कि जापान में स्पीड ब्रेकर से बिजली बनती है, जापान में आपका जो गाड़ी चलती है तेज रफ्तार से उससे बनती है, पवन चक्की से बनती है, तो इस तरह तर्क हम लोग रख सकते हैं। तो आज 24 का क्या परिणाम होगा? देखिए हम लोग मेहनत कर सकते हैं, परिणाम जनता तय करेगी और मुझे लगता है कि हमारी जो जनता है वो बेहतर परिणाम होगी। आज चंदन क्यारी की जो जनसभा थी, लगभग पांव रखने का जगह नहीं था लोगों के पास, तो 2024 की तैयारी के लिए हम लोग दोनों सवाल को उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हम अभी नर्सरी में हैं और आपने जिनका नाम लिया वो राजनीति की मास्टर डिग्री तक पहुंचे हैं, हमने कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया। सही बात है, उनमें हमारी आयु में लगभग 25 सालों का अंतर है, 25 सालों की राजनीतिक अनुभव का अंतर है, निश्चय हम लोग को सीखने में लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग के हाथों में जो लगातार आप इस राज्य को लूटने वालों लोगों के साथ गए, आप लोग कंपनी के साथ गए, आप कॉर्पोरेट्स के साथ गए, और ये कहता 2024 में खुलासा होगा। और आज राज्य का बच्चा जानता है कि धोनी के साथ किनकी पार्टनरशिप है और मैंने बिग बाजार में किनकी पार्टनरशिप है, टाटा में किनकी पार्टनरशिप है। ये बिजनेसमैन है, जो भी नाम आप ले रहे हैं सारे के सारे बिजनेसमैन है, और इनको अगर राज्य से और भला होता तो इनका पावर है, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक इन्होंने कोई बात रखा ही नहीं मीडिया के सामने, कभी टाटा पर हमला नहीं बोला है, ना कभी जो फैक्ट्रियां है कंपनियां है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक दल है झारखंड में स्थापित है सबको चंदा जाता है। हम लोग इस मिथक को तोड़ेंगे, ये कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं क्राउड फंडिंग होगी और बलियापुर में इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। पदों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी हम लोग नया दल है, आपका पहला उत्तर हम देना चाहेंगे, उनका दूसरे में देना चाहेंगे। सही बात है, अभी थोड़ा सा हम लोग सीख रहे हैं और लगभग मान के चलिए हम लोग 14 लोकसभा सीटें हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे दर्जन से अधिक सीटों पर हमारा उम्मीदवार हो, और जब हम लोग का बेहतर रिजल्ट अगर लोकसभा में होता है, वोट भी अगर बेहतर आता है, तो विधानसभा में उसका एक बेहतर परिणाम होगा। आपने जो सवाल किया पद का, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग नए लड़के हैं, अभी हम लोग में थोड़ा स्वार्थ है, थोड़ी लोभ है, तो अगर हम उसको लीकआउट करते हैं, क्योंकि हमने लोगों ने देखा कि जरा मात्र 1.5 साल से अड़ी है, ये बिक नहीं रहा है, ये डिग नहीं रहा है, ये हटी है, जिद्दी है,
तो जब हम लोग जिनको पद दिए हैं बकायदा बांटा जा चुका है, लेकिन सोशल मीडिया में उनको अभी नहीं आने दिए क्योंकि समय लगेगा। जब वो संघर्ष करेंगे, अपने आप को बिल्डअप कर लेंगे, अपने माइंड को सेटअप कर लेंगे, तो बकायदा वो मेरी तरह सोशल मीडिया में वो भी आ गए और मीडिया के सामने बकायदा अपना घोषणा भी करेंगे। कोई पार्टी आपको यदि गठबंधन का ऑफर दिया जाए तो क्या स्वीकार कीजिए? नहीं, देखिए हम लोग फिलहाल इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे क्योंकि सभी पार्टी जो लोकसभा की बात करें तो सबने बारी बारी से चला है। अब तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तर्ज पर हमें कट्टर सांसद चाहिए जो राज्य के हितार्थ की बात करे। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली ने क्या किया हमने देखा। दिल्ली को हमने बहुत कुछ दिया, हमारे हजारों गांव बर्बाद हो गए हैं। चांडिल डैम रहे, BSL रहे, कोणार्क डैम रहे, मैथन डैम रहे, पंचायत डैम रहे, या कोयला की खदानें रहे, या FCI हर्ल रहे, हमारी हजारों गांव बर्बाद होकर हमने देश की उन्नति के लिए एक रास्ता दिया। लेकिन बदले में देश ने हमें क्या दिया? भुखमरी दिया, 12 लाख मजदूर का पलायन दिया, गरीबी दिया, बेबसी दिया, लाचारी दिया, सबसे खास बात असुरक्षा मिला। असुरक्षा है यहाँ, हम लोग रात को अगर घर में सोते हैं तो सुबह पता चलता है कि हमारी जमीन CO के माध्यम से चिट्ठी आ चुका है कि यहाँ कंपनी स्थापित होगी, हम सुरक्षित नहीं है। केंद्र राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में जो क्षेत्रीय मुद्दे उसको गौण किया जा रहा है, क्या कहना? इसीलिए हम लोग केंद्र में जाना चाहते हैं ना, जो क्षेत्रीय मुद्दे उनको गौण किया जाता है, नेशनल मीडिया कवरेज नहीं मिल पाता, यहाँ प्रेम कहानी को कवरेज मिलता है और यहाँ हमारे KGF बन जाता है। अगर झारखंड की दशा पर कोई मैंने जरा से भी दृष्टि डाले तो हमको लगता है यहाँ दर्जनों KGF बनेगा, इतना अन्याय झारखंड के साथ। झारखंड में देखा देखिये, सही बात कहा, टायर जलाकर कोई नेता थोड़ी बनता है। हम लोग शिक्षा की जोत जलाकर बने हैं, संविधान की जानकारी लेकर बने हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाकर, अपना संघर्ष बढ़ाकर बने हैं, यहाँ तक आए हैं, टायर जलाकर नहीं आए। सही बात उन्होंने। झारखंड भाषा हथियार संघर्ष समिति किन किन मोटों के साथ चुनाव लड़ेगी? तो हम तो लगभग अपना 1.5 घंटे 2 घंटे के भाषण में क्लियर कर दिए कि हमारा मुद्दा होगा।